नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में हूं आपके साथ अंशु गोदशकरी। पश्चिम चंपारण जिले के प्रखंड रामनगर अंतर्गत नरकटिया गंज जाने वाली मुख्य सड़क में किशोरी मल्ल खेमका के बगीचे के समीप फ्रॉक की ओर से उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए फ्रॉक की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बगहा अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा, DCLR मोहम्मद इमरान, SDPO सत्यनारायण रामजी, शकील मोइल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने उर्दू भाषा को बढ़ावा देने की बात कही, साथ ही साथ हिंदी और उर्दू भाई बहन की तरह इस देश में है। कार्यक्रम में अतिथियों की सेवा में सदैव तत्पर भाई तबरेज आलम, फिरोज आलम, भीमार मिजिलाध्यक्ष इश्तियाक खान, मुखिया अफसर इमाम रेफुल आजम खान सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज के इस प्रोग्राम में खसूसी आपका स्वागत है। आज इस मुहिम अक्षर यही है कि हर जुबान का जो डिफरेंसेज है उसको दूर किया जाए। सारी जुबान हमारी एक, चाहे हिंदी हो या उर्दू। हम उर्दू जानते हैं लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है उसको नहीं बोल पाते हैं। हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे के एक जुड़वा भाई बहन है, तो अपनी जुबान हर जुबान की उर्दू जानते हुए उर्दू में एप्लीकेशन नहीं दे सकते थे, नहीं दिया लोगों ने, तो हमारे जो भी ट्रांसलेटर लोग हैं दूसरे कामों में लगा दिए गए। तो जुबान कोई भी हो, सबको मोहब्बत भरी निगाह से जो मोहब्बत को बढ़ाना है इसी की फरोगत के लिए। तो अब बिना